फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यू है अ मैन गोज 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। अ मैन गोज 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ 20 मीटर बना देता हूँ। देन 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, फिर वो 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 30 मीटर यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा। देन डिस्प्लेसमेंट पता करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा बेटा इसका, बोलो। 30i x में है तो, और 20j y में है, जेड में जीरो। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालता हूँ तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, दैट विल बी इक्वल टू 1300। ओके, 1300 स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, 1296 आई थिंक 36 का स्क्वायर रूट है, तो 36.3 अंडर रूट ऑफ 1300 का आंसर होना चाहिए लगभग 36.05। ओके, बट ये नियरली किसके है, 36 के, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 1300 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, उस वजह से इसको मैंने 1296 लिखा, जो इसके क्लोज है। नियरर आंसर को देखते हैं हम यहाँ पर, क्या याद रखेंगे क्वेश्चन के अंदर, हम नियरर आंसर को देखेंगे, जो क्लोजेस्ट रहेगा हम उसको क्लिक करेंगे, उसको राइट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ। एक एरोप्लेन है बेटा जो फ्लाइज हो रहा है 400 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ, 300 मीटर साउथ, ये क्या हो जाएगा, ये 400 है ये 300 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा, ये नॉर्थ और साउथ कैंसिल कर कर, ये प्लस जे है ये माइनस जे है, तो क्या होगा प्लस 400 में से माइनस 300 माइनस, एंड फ्लाइज देन 1200 मीटर अपवर्ड्स। अब फिर ये नॉर्थ, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, तो वो कैसे गया, वो पहले वो नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ गया और साउथ की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, फिर कहाँ जा रहा है, अपवर्ड ऊपर जा रहा है ऐसे। तो अगर मैं इसको आई बोलता हूँ, ये माइनस आई, ये जे माइनस जे, और एक एक्सिस था इधर वाला के और अंदर वाला माइनस के, तो वो अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड बोलता था तो माइनस के लेते थे। क्या करेंगे यहाँ पर, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्स इज इक्वल टू ये वाला बनेगा 14 जे, ये वाला बनेगा माइनस 3300 जे, और प्लस में अपवर्ड जो बोल रहा है तो 1200 यहाँ 1200 के 100 जे प्लस 1200 के। अब इसे हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर, और बेटा ये बनेगा 100 का स्क्वायर 1000 प्लस 1200 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, डबल ज़ीरो का 4 टाइम्स ज़ीरो, और ये लगभग बनेगा आपका वन, ये कितना हो रहा है बेटा 1440,000, तो आ जाएगा 1450,000। ओके, 50,000, 1450,000 तो किसी का अंडरवुड होता ही नहीं है। अब यहाँ पर फोर्टी लाख फिफ्टी थाउजेंड जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1200, 1205 का, 1205 का 1204 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, 1450,000 जो है वो 1204 का स्क्वायर रूट होता है, 14,50, 14,50,000 जो है वो स्क्वायर रूट होता है
1204 में। अब ये नियरली आंसर किसके है, ये नियरली आंसर है 1200 के। ऑप्शंस में क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है, 1200 इसके ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके बेटा समझ आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एन एथलेट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन नंबर 3, एक एथलेट है जो कंप्लीट कर रहा है, जिसका रेडियस आर है और जो अपना मोशन सर्कुलर ट्रैक पर कंप्लीट कर रहा है। ओके 80 सेकंड में पूरा मोशन कंप्लीट करने के लिए कितने सेकंड लगने वाले उसे, 80 सेकंड लगने वाले हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ कि उसको 80 सेकंड लगने वाले हैं, तो यहाँ से लेकर रिटर्न यहीं पर आने को 80 सेकंड लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे 20, यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड सेकंड। ओके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ टाइम का, और यहाँ पर भी 20 सेकंड। ओके व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 मिनट 60 सेकंड। 4 मिनट 60 सेकंड पर 80 सेकंड में उसका एक डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट, एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है। तो जब यहाँ से निकलेगा इनिशियल पोजीशन से ए बी सी डी फॉर एग्जांपल, तो उसे ए बी सी डी फिर ए आने पर क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। उसने क्या कहा बेटा क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में कहा कि व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 मिनट 60 सेकंड। 4 मिनट 60 सेकंड तो ये कितना होता है, 60 सेकंड तो 5 मिनट ही होता है ना, ये 5 मिनट ही होता है। 5 मिनट मतलब 60 से मल्टीप्लाई करने पर 300 सेकंड हो जाएगा ये, यानी 300 सेकंड के पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है अपन क्या करेंगे, पहला एक चक्कर कंप्लीट करेंगे, ये 80 हो गया तो यहाँ पर कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, जीरो हो गया। ठीक है मतलब 80 सेकंड खत्म हो गए, अब बच रहे कितने देखेंगे। फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट 80 सेकंड में कंप्लीट किया उसने, फिर और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है तो पहले वाले 80 सेकंड का जीरो डिस्प्लेसमेंट आया, दूसरे वाले 80 सेकंड का भी जीरो डिस्प्लेसमेंट, तीसरे वाले 80 सेकंड का फिर से जीरो हो जाएगा है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये कितना होगा 24, अब बच रहा है 60, अब बच रहा है 60 क्योंकि 380 80 80, तो 3 राउंड कंप्लीट कर दिया उसने और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब 60 यानी ये 20 चला फिर 20 चला फिर 20 चला, यानी 60 घंटा कर गया वो। अब डिस्प्लेसमेंट मुझे करना है ये पॉइंट और ये पॉइंट के दरमियान का। ठीक है ऐसे तो पाथ लेंथ होता है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं डिस्प्लेसमेंट में, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे इनिशियल और फाइनल पोजिशन का। ठीक है अगर ये मेरे पास रेडियस आ रही है, ये रेडियस आ रहे हैं, ये रेडियस आ रही है, ये रेडियस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री पर बताइए। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x, ये डिस्टेंस है, तो x कितना हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू अंडर रूट में ये r का स्क्वायर प्लस में ये r का स्क्वायर, ये नहीं हो रही, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2r का स्क्वायर, x इज इक्वल टू अंडर रूट में 2r। क्लियर हो रहा है क्या, अंडर रूट में 2r, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट। थोड़ी सी तबीयत खराब है, आवाज़ बैठी हुई है, जुकाम है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम, ओके ना कोऑर्डिनेट पॉइंट से दिए -4 मीटर -5 मीटर +8 मीटर टू, दूसरे पॉइंट दे दिए 7 मीटर -2 मीटर -3 मीटर इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, मीन्स के फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है फॉर एग्जांपल, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपना, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट ए यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, तो पॉइंट बी यहाँ पर है, ऐसे को समझ लीजिए आप, ये इसके पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक्स वन वाई वन जेड वन, इफ दिस वन इज एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू एंड जेड, ए बी है तो एक्स टू वाई टू जेड टू हो जाएगा, राइट क्या बच्चों, एक्स टू वाई टू जेड टू हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या होता है, एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट फ्रॉम द वन, डिस्प्ले मालूम करना है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन, बी के कोऑर्डिनेट्स को एक के कोऑर्डिनेट से माइनस कर लो, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ये
एक्स टू कितना है, एक्स वन, एक्स टू माइनस सेवन मीटर माइनस माइनस प्लस एलेवन, ओके ना, एलेवन मीटर कॉमन, माइनस टू मीटर माइनस प्लस सेवन मीटर प्लस फाइव मीटर, माइनस टू मीटर माइनस माइनस प्लस प्लस फाइव मीटर इज माइनस थ्री मीटर, माइनस थ्री मीटर प्लस फाइव मीटर माइनस माइनस एलेवन मीटर, माइनस थ्री मीटर माइनस एट मीटर इज द माइनस एलेवन मीटर। तो ऑप्शन कौन सा है देखिए, एलेवन मीटर माइनस एलेवन मीटर देन माइनस थ्री मीटर, माइनस थ्री मीटर आना चाहिए, शायद मेरे से मिस्टेक हो गई, माइनस टू मीटर प्लस, हाँ राइट है, तो प्लस थ्री मीटर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके माइनस करना भी, इसमें इसको माइनस करें, इसमें इसको और इसमें इसको, खत्म। क्वेश्चन नंबर फोर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते बच्चों। लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम टी वन एंड टी टू, देन अगर एक्स वन एक्स टू पोजिशन है, क्या एक्स वन एक्स टू पोजिशन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वन है, ये पोजिशन वेक्टर, एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पास ये एक्स वन है ये, और ये पॉइंट के लिए ये एक्स टू है, ओके बच्चों, ये क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट, अपन कैसे नोट करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन से करते हैं इसको, है ना, या फिर डेल्टा एक्स बोल सकते हैं इसको आप। टाइम टी वन एंड टी टू लग रहा है एक्स वन एक्स टू के लिए, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय ए, डिस्प्लेसमेंट जो है ये दरमियान डेल्टा एक्स जो है वो डिनोट करने वाला है ए से, है ना, डिनोट बाय ए इन टाइम डेल्टा टी, और जो टाइम चेंज इन टाइम है टी टू माइनस टी वन, ठीक है, उसे डिनोट करा हुआ है कैसे, डेल्टा टी जो होता है चेंज इन टाइम उसको डिनोट करा है बी से, है ना, ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को ए से डॉट करने वाला है, चेंज इन टाइम डेल्टा टी इसको बी से डॉट करने वाला है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को ए से, चेंज इन टाइम को बी से डॉट करा हुआ है, इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी पोजिशन, ये पोजिशन हम सी एंड डी दिया हुआ है, सी क्या बेटा इनिशियल पोजिशन और ये फाइनल पोजिशन, ठीक है, हियर ए बी सी रेफर टू, ए क्या है डेल्टा एक्स, सही है, क्लियर है, बी क्या है टी वन माइनस टू, गलत, टी टू माइनस टी वन, बी सी फाइनल नहीं, सी तो इनिशियल है, डी फाइनल कर।